हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं आज लेके आया हूँ फरीदाबाद में बने जगन्नाथ टेंपल में, जो कि फरीदाबाद के सेक्टर 15A में बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ की पूरी डिटेल बताऊंगा और आपको दर्शन कराऊंगा जगन्नाथ जी के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं जगन्नाथ टेम्पल फरीदाबाद। दोस्तों, पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान जगन्नाथ जी यानी कि कृष्ण जी को समर्पित है। और यह जो मंदिर है, ये भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और उसी जगन्नाथपुरी का ही एक रूप है यहाँ फरीदाबाद सेक्टर 15 में, जहाँ आज मैं आपको लेके चलूँगा और दर्शन करवाऊँगा भगवान जगन्नाथ जी के और यहाँ की पूरी डिटेल बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए सबसे जो करीबी मेट्रो स्टेशन है वो है नीलम चौक अजरौंदा। यहाँ से मंदिर की जो दूरी है वो करीब 300 मीटर की है, वो आप पैदल चल के या फिर बैटरी रिक्शा से भी पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है मंदिर का बाहर का दृश्य, काफ़ी भव्य मंदिर है। अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलूँगा। ये है मंदिर का मुख्य द्वार और यहाँ की पूरी डिटेल बताऊँगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर। सबसे पहले 9 अक्टूबर 1985 में इस मंदिर के अंदर श्री जगन्नाथ कल्चर सेंटर का उद्घाटन किया गया। और वो उद्घाटन जो किया था वो उस टाइम के हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन जी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद सोमवार के दिन 2 मार्च 2015 को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब आप यहाँ पे आके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। ये जो मंदिर है, ये काफ़ी विशाल और खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पे मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। और सीढ़ियों के साथ साथ यहाँ पे लिफ्ट का भी प्रबंध है। जो लोग सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते, वो यहाँ पे लिफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मंदिर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा बगीचा बनाया गया है। और बगीचे के बाहर में ही सिटिंग एरिया है, जहाँ पे अगर आप कुछ देर बैठकर विश्राम करना चाहते हैं तो आराम से बैठ सकते हैं। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो चलिए यहाँ से चलते हैं ऊपर और दर्शन करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के। ये जो मुख्य द्वार है, बहुत ही भव्य तरीके से इसको यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ आप सामने देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। और इन सीढ़ियों के दोस्तों साथ में ही यहाँ पे आपको गणपति जी के दर्शन होंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति रखी गई है। और यहाँ से जब आप थोड़ा सा राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक और आपको प्रतिमा दिखाई देगी, जो है भगवान पतित पावन की। तो यहाँ पे पतित पावन जी के दर्शन कीजिए और उसके बाद यहाँ से चलते हैं ऊपर। जब आप ऊपर आएंगे तो इस मंदिर का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस मंदिर की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। इस दौरान कभी भी आप यहाँ पर आके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ जी का भी एक मंदिर है। यहाँ पे देखिए, आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और ये है दुर्गा माधव जी का मंदिर। और इस मंदिर की आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो कलिंगा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की थीम पर इसको बनाया गया है। बहुत ही बारीकी काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ से दोस्तों चलते हैं आगे। और ये है मदन मोहन जी का मंदिर। यहाँ पे मदन मोहन जी के दर्शन कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको श्री माता बिमला जी का मंदिर दिखेगा। यहाँ पे सामने माता बिमला जी विराजमान है। यहाँ पे आशीर्वाद लीजिए और दर्शन कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, तो आप उनके दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। इस मंदिर को बनाने में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बीच बीच में आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर की जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां लगी हुई हैं, वो इसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगाती हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी नक्काशी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ विराजमान है नरसिंहनाथ। जी हाँ, ये भी भगवान कृष्ण जी का ही एक रूप थे। यहाँ पे आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ विराजमान है श्री गणेश जी और हनुमान जी। यहाँ पे इनके दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ पुरी जी का जो मंदिर है उसको हिंदुओं के चार धाम में से एक गिना जाता है। लेकिन अगर आप इतनी दूर जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते तो आप यहां फरीदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी के यहां पे आके दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए सामने यहां पे विराजमान है भगवान जगन्नाथ जी। इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और उनकी भगिनी यानी कि उनकी बहन सुभद्रा, तीनों यहां पे विराजमान है। तो सामने आप देख सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक त्यौहार हैं उनको यहाँ पे बड़ी धूमधाम से इस मंदिर के अंदर मनाया जाता है। और इस मंदिर के अंदर हर साल बड़े ही भव्य तरीके से भगवान जगन्नाथ जी की एक रथ यात्रा निकाली जाती है। और इस यात्रा में भारी मात्रा में भक्तगण उपस्थित होते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये है मंदिर की छत। इसमें आप इसकी वास्तुकला का नमूना देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। भगवान जगन्नाथ जी के बिल्कुल सामने आपको दिखेगी ये शिव जी की मूर्ति, ये देखिए। और उसके बिल्कुल दरवाजे के दूसरी साइड में आपको दिखाई देंगे भगवान ब्रह्मा जी। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मंदिर के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस मंदिर के बारे में पता चल सके। और ऐसी अलग अलग जगह की अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर नए हैं उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जितनी ऐसी और अलग अलग जगह की वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।